नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑन ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप परम बुद्धिमान हैं, आपने जैसी बात कही है वैसी दूसरा कोई नहीं कह सकता, भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है। आजकल तो घर घर में राजा हैं और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं है, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जनार्दन जरासंध से तो हमें भी शंका ही है, सचमुच वह बड़ा दुष्ट है। किसी से परास्त न होने वाले प्रभो, मैं तो आपके बाहुबल का भरोसा रखता हूं। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं, तब तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूं कि आप बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं, मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूं। मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूं, कृपया बतलाइए क्या किया जाए। तब भीम बोले, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है, दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हित कर एवं अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजयी की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगधराज जरासंध के वध का कार्य पूर्ण कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती हैं। गोविंद, आपके बुद्धिबल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी विजय निश्चित है। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजापालन, तपस्या, शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वे भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वह उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जीत सकते हैं। 86 राजाओं को वह कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वह सभी 100 राजाओं का एक साथ वध करेगा। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा, वह बड़ा यशस्वी होगा, और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय ही वह सम्राट होगा। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वार्थ साधना में तत्पर हो, केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूंगा। भीम और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं, और जनार्दन आपको मैं अपना मन मानता हूं। अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा यह जीवन कैसा हो जाएगा। जरासंध की सेना का पार पाना कठिन है, उसका पराक्रम भयानक है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी विजयी नहीं हो सकते। फिर वहां आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है। आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौट सकेंगे। ये कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। इसमें लगे हुए मनुष्य को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए अब तक हम जिसे करना चाहते थे, उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ता। इस विषय में मैं अकेले जैसा सोचता हूं, मेरे उस विचार को आप सुने। मुझे तो इस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राजसूय का अनुष्ठान बहुत कठिन है, अब यह मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर अर्जुन ने उनसे कहा, भाई जी, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरत वंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए, वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है। इसीलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।